टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक और खिलाड़ी हुआ चोटिल। शमी सूर्या के बाद एक और खिलाड़ी को लगी चोट। अब क्या करेगी टीम इंडिया? इन दिनों आईपीएल 2024 खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में हमें एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इस आईपीएल के ठीक बाद टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, लेकिन इस वर्ल्ड कप से पहले ही टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया का एक अहम खिलाड़ी बीच आईपीएल में ही चोटिल हो गया। इस खिलाड़ी का चोटिल होना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इस खिलाड़ी का टी20 वर्ल्ड कप में खेलना पक्का माना जा रहा था। लेकिन अब इस खिलाड़ी की चोट ने टीम इंडिया और भारतीय टीम मैनेजमेंट की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी पहले से ही अपने टखने की सर्जरी की वजह से टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा अभी सूर्य कुमार यादव भी पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं, और ऊपर से अब टीम इंडिया का एक और खिलाड़ी चोटिल हो गया है। तो ऐसे में इस खिलाड़ी की चोट ने टीम इंडिया की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। आपको बताएंगे कि कौन सा खिलाड़ी चोटिल हो गया है, लेकिन उससे पहले अगर आप टीम इंडिया के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत पाएगी? क्या भारतीय टीम 2007 के बाद टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा पाएगी? टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। आईपीएल 2024 के ठीक बाद टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। जून के महीने में ये टी20 वर्ल्ड कप होगा। इस बार ये वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्टइंडीज की धरती पर खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा को पहले से ही भारतीय टीम का कप्तान बनाया जा चुका है, लेकिन अब इस वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारतीय टीम का एक अहम खिलाड़ी बीच आईपीएल में ही चोटिल हो गया है, और अब ये खिलाड़ी टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस खिलाड़ी को लगी चोट। बीच आईपीएल में टीम इंडिया के एक अहम खिलाड़ी को चोट लगी है। ये खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि ये खिलाड़ी बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाता है और विकेट चटकाता है। ये खिलाड़ी अपनी घूमती गेंदों से विरोधी बल्लेबाजों को नाचना चाहता है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं है, इस खिलाड़ी का नाम है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में नहीं खेले। उनका नाम दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नहीं था। कप्तान ऋषभ पंत से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुलदीप यादव को चोट लगी है, इस वजह से वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। कुलदीप यादव की इंजरी सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स की समस्या नहीं है, बल्कि ये टीम इंडिया और कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी बड़ा सरदर्द है। मौजूदा समय में कुलदीप यादव व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत के सबसे बेहतरीन स्पिनर्स में से एक हैं। उनका नाम टी20 वर्ल्ड कप में लगभग पक्का है। तो ऐसे में अब कुलदीप यादव का चोटिल होना टीम इंडिया के लिए बड़ा सरदर्द है, ये टीम इंडिया के लिए बड़ा संकट है। हालांकि अभी टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में काफी ज्यादा वक्त है, और उम्मीद यही है कि कुलदीप यादव की ये चोट ज्यादा गंभीर ना हो और वो आईपीएल के दौरान ही फिट हो जाए। इससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि टीम इंडिया की टेंशन भी कम हो जाएगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत पाएगी? क्या भारतीय टीम 2007 के बाद एक बार फिर से टी20 की वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। इसके साथ ही साथ क्रिकेट की ताजातरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।